नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समायोजन निरस्त होने के 2 साल पूरे होने पर शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाया। जी हां दोस्तों, समायोजन निरस्त होने के 2 साल पूरे होने पर गुरुवार को शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाया है। शिक्षा मित्रों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया। शिक्षा मित्रों के विभिन्न संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने 2 साल बाद भी उनके भविष्य के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी ने बताया कि 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक पद से समायोजन रद्द किया गया था और 2 साल बीत जाने के बाद तंगी से बेहाल 1,450 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली। जुलाई का ही एक आंकड़ा लगाएं तो 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। 2 वर्ष से शिक्षा मित्रों का मानदेय भी नहीं बढ़ा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 1 साल बाद भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। उन्होंने सरकार से शिक्षा मित्रों को नियमित करने का रास्ता निकालने, मानदेय बढ़ाने व पूरे वर्ष का मानदेय देने की मांग की थी, जिस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दोस्तों, मार्च 2017 में ही अनुदेशकों का मानदेय भी 17,000 रुपए किया गया था, जिसे सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। इतने कम वेतन में 2 साल से भी ज्यादा अनुदेशक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने मानदेय को पाने के लिए वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसे सरकार द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी हाल में ही हाईकोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय मार्च 2017 से मे ब्याज सहित देने को कहा गया है। इस पर भी सरकार द्वारा अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दोस्तों, अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों की ही स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब है। सरकार को जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को समझना चाहिए और एक अच्छा फैसला सुना के इनके उज्जवल भविष्य की नींव डालनी चाहिए। अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।